मेरी सूही पगड़ी तेरा रंगड़ा चूड़ानी मैनू फिकड़े नू रंग इश्क दा चढ़िया गूड़ानी तेरे नैण नी मैनू रीजा लाज दवेंदे ने पूरा हुंदा दिसदा हर एक ख्वाब अधूरा नी जी मैं कदे भी नहीं सोचा सी कि अपनी पंजाबी या हिंदी तो भी इलावा मैं होर कोई लैंग्वेज ट्राई करूँगा स्पेशली अपने साउथ इंडिया की टीवी ते साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत देखी हैं हिंदी दे विच डब एंड करते करते आइडिया आया क्यों ना कुछ वक्रा ट्राई किया जाए आज के टाइम ते इन्ना ज़्यादा कॉम्पीटिशन हो गया कि अपने आप नू हाईलाइट करना एक अपने आप नू भीड़ विचों अलग दिखाना बहुत मुश्किल है। मैं थोन दसदा जी यह सफ़र बहुत सफ़र मुश्किल नहीं कहूँगा एक्चुअल च बहुत वधिया सफ़र है जिद मैं इन्ना कुछ सीखने को मिले बहुत चैलेंजिंग सी बट मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। एक दिलजीत दोसांझ एक सिद्धू मूसेवाला तो जो इन्होंने एक लैवल बेंचमार्क जो सैट करता है ना मैं लगता कोई वो अचीव कर सकता है एक्चुअल उन्हें वो रब के बंदे आ टैलेंट उन्हें अलग ही है। लुधियाना टाइम्स देख रहे हो तुसी ते मैं हाँ हर्ष कौर अज अजिहे शख्स के नाल मिलावांगे जि लुधियाने के अजिहे नौजवान जिसनूं तुसी सारे ने सुनिया रियलिटी शोज़ के भी स्टार रहे ने आपां गलबात कर रहे हैं जसकरन सिंह नाल किवें सत श्री अकाल जी बहुत वधिया तुसी दस्सो जी शुरुआत ही की रियलिटी स्टोर स्टार तुसी कहे जाने हो उत्थे लुधियाने के मशहूर हो वह भी मैं गल कहां कि सिर्फ पंजाबी नहीं दूजे लैंग्वेजेस भी गाँव तो उत्थे शुरुआत जो इदा कि गाने तो शुरुआत हो जाए मैं कहनी जी साउथ का गाना सुना था कोई चलो हाड़ा पोरा तमिल उड़गो मिला में वट्री मगा वरी दायन में इल्ला में वीरन ना यार ने इंद नाटक है अब सुनना ने वाइल्ला माटकू अड़नी दिया अब दंदा ने वारायो वाराइनी अनबा बंदा ओली कोड़ू पोम वारायो वाराइनी अनबा बंदा सुलु केड़ू पोम। शुरुआत जदों तुसी गाने दी कीती सोचा सीगा कि तुसी दूजे लैंग्वेज दे विच वी थोनू शौक पवेगा तुसी गाओगे जी मैं कदे भी नहीं सोचा सी कि अपनी पंजाबी या हिंदी तो भी इलावा मैं होर कोई लैंग्वेज ट्राई करूँगा स्पेशली अपने साउथ इंडिया की मैं जस्ट शौक सी बचपन तो मूवीज़ वगैरह देखने का तो टीवी तो साउथ इंडियन मूवीज़ बहुत देखी हैं हिंदी दे विच डब एंड करते करते आइडिया आया क्यों ना कुछ वक्रा ट्राई किया जाए बिकॉज आज के टाइम तो इन्ना ज़्यादा कॉम्पीटिशन हो गया कि अपने आप नू हाईलाइट करना एक अपने आप नू भीड़ विचों अलग दिखाना बहुत मुश्किल है तो एक जस्ट आइडिया क्लिक किया क्यों ना अलग भाषा जी ट्राई किया जाए चलो रब दे नाल लैके शुरू किया तो उस टाइम तो रियलिटी शो भी आना सी सारे गा मैं तमिल जी टीवी पर आता जी तमिल आता तो ऑडिशन दिता चलो उदा भी मैं कॉल आ गया फिर पार्टिसिपेट किया करते करते फिनाले च भी पहुँचा एंड फिनाले विन करन तो बाद मैं मूवीज़ के विच भी उधर फिनाले मैं वोट्स अकॉर्डिंग तो मैं विन कर लिया बट थोड़ा रीजन के करके उन्होंने चलो करना ही सीगा बट स्टिल नहीं दुख नहीं हो बट मैं एक्चुअल इन्ना खुश सीगा अपने आप में इन्ना लकी मानता क्योंकि मैं लाइफ से मैं कुछ ना कुछ गेन ही किया हर स्टेप तो मैं गेन किया मेरे को गवाने लिए कुछ नहीं सी तो मैं उधर सीखिया ही सीखिया तो मैं बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा एंड आफ्टर दैट मैं तेलगू दे विच ट्राई किया तेलगू मेरा एक गाना वायरल हो गया सी फिर उहदे विच मैं मूवी लिए प्लेबैक किया फिर उस तो बाद रियलिटी शो च पार्टीसपेट किया तो अद्धे मेरा सिलसिला चल रहा म्यूजिक का जेडे गाने नाल वायरल होए प्लीज सो भी हो जाए श्योर जो मैं थोनू सब तो पहला गाना सुनाया एक आ गाने ने भी तमिलनाडु दे विच मैनू बहुत नाम तो मैं बहुत ज़्यादा फेम दिता तो मैं लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलया तो जो हूँ मैं थोड़ा तेलगू गाना सुनाऊंगा ऐसे करके मैं हैदराबाद स्पेशली तेलंगाना आंध्र प्रदेश मैनू हाँ जी यही गाने करके मूवी गाने का मौका मिले ये मई पोया वे नी विंटे ने नुंटे ये मई पोता ने नू वंटू ले कुंटे नी तो प्रतिपे जैनम पैसाने तेरा वक मुंदे पुस्तक में विसिरे सावे आले नू वनंदे
मैं चाहूंगी जिहड़ा तुसीं गाना दूजे लैंग्वेजेस गाना शुरू किया तो उहदे कोई क्लासेस लीती या खुद सीखिया? बहुते लोग भी जानना चाहुंदे कि आखिर किवें लुधियाणे दा नौजवान दूजे लैंग्वेजेस दे विच सीख रहे। मैं तुहानूं दस्सदा जी, इह सफर बहुत सफ़र मुश्किल नहीं कहूँगा, एक्चुअल च बहुत वधिया सफ़र रहा जिहदे विच मैनूं इन्ना कुछ सीखण नूं मिलिया। बहुत चैलेंजिंग सी बट मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। जो मैं सब तो पहला गाना गाया सी जो थोनू हमने इंटरव्यू सुनाया, मैं यह गाने मैं याद कर ऑलमोस्ट 15 दिन लगे सी, ते लाइफ च मैं फर्स्ट टाइम दूजी भाषा च गाना गाया सी। एंड करते करते जिदा जिदा राउंड्स निकलते गए, जिदा एक्सपीरियंस मिलता गया, मैं उधर के वोकल ट्रेनर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे को कंटेस्टेंट्स ने, मैं जजिस ने काफ़ी ये हेल्प की कि मैं प्रोनंसीएशन सीखा, मैं लिरिक्स मैं उन्होंने मतलब सीखा, थोड़ी बहुत समझ लेना, माड़ी मोटी हूँ बोल भी लेना जदों कोई गल कर रहा है। जो मैं चाहूँगी जो तुम सोचा कि मैं दूजे लैंगुएज गाना सीखना है, उसकी गल की जाए जो एक्टर्स मूवी मिलती है फिल्म तो उन्होंने ये कि साडा तो टारगेट पिया है, साडा तो रिजल्ट आ किस जगह पर असं पहुँचना, तो सानू सीखना पैना। थोनू कुछ भी नहीं कि थोनू मौका मिलेगा, वो किस तरह मन के है कि मैं ये चीज़ काम ही करनी है? जस्ट मैं एक अपने वालों ट्राई दिता सी चीज़ में कि चलो आज तक मैं पता नहीं होर किन्ने किन्ने किया, बट मैं इन्ना पता मैं फर्स्ट ऐसा नॉर्थ इंडियन है जिन्हें साउथ साउथ इंडिया के किसी रियलिटी शो के पार्टिसपेट किया। एंड चलो उत्थे दे लोगों ने मैं इन्ना ज़्यादा प्यार दिता, मैं बहुत खुशकिस्मत हाँ, रब की भी बहुत कृपा है कि चलो मैं उत्थे जान का मौका मिले तो मैं अगे भी गया। थोड़ा कोई अजिहा सिंगर जिन्हों तुसीं चाहुंदे हो कि स्टेज शेयर करो या काम करना चाहो? स्टे ऐसा सिंगर एक हैगे है साउथ इंडस्ट्री दे ही सित श्री राम, जिन्हों मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करदा। अगर अपनी पंजाबी इंडस्ट्री च देखा जाए तो बीर सिंह विरा, सतिंदर सरताज जी, तो दलजीत दोसांझ। मैं कम नहीं, मैं इन्हों सुनना, मैं एक्चुअल इन्हों सुन के ही बहुत बहुत कुछ सीखदा, तो चलो वो मौका मिले वो तो मेरे लिए बहुत वड्डी गल है। दलजीत दोसांझ भी गल की कितने वो पहुँच गए, एक उन्होंने टारगेट सैट करता, किस तरह लग रहा है? जो लैवल से वह पहुँच गया मैं नहीं लगता आने वाली सर्दियों कोई पहुँच सकता, एक दलजीत दोसांझ, एक सिद्धू मूसेवाला, तो जो इन्होंने एक लैवल बेंचमार्क जो सैट करता है ना, मैं लगता कोई वो अचीव कर सकता। एक्चुअल च उन्हें वो रब दे बंदे आ, वो टैलेंट उन्हें अलग ही है। तो इस दे नाल मैं चाहूँगी किस तरह हुण तुसी जिस तरह लोग पहचानन लगे, तुसी रियलिटी शो दे विच भी गए हो, नाम कमाया साउथ दे विच भी, आई नहीं कहूँगी नॉर्थ दे विच ही, पर फिर भी लगता कितने ना कितने कोई कमी? नहीं, सैटिस्फाई तो मैं हाले नहीं हाँ, जो मैं टारगेट मेरा हैगा हाले मैं स्टार्टिंग दे विच भी नहीं हैगा, जो मेरा मैं अचीव करना चाहना, जो मेरा ड्रीम है हाले बहुत लंबी जर्नी पई है, तो बस कोशिश करन लगे हैं अपने वालों, बस मालक मेहर रखे। पर लगता अगर तुसी कंपैरिजन मैं लगता नहीं करते होंगे, पर कितने ना कितने लगता कि मैं पिछे रह के मन दे विच आउंदी है गल? नहीं, क्योंकि जेडे रस्ते मैं तुरे आ रस्ते मैनू नहीं लगता कि हाले, हाँ कॉम्पीटिशन नो डाउट हैगा, मैं जिते भी जाना चाहे मैं किसी भी रियलिटी शो गया रहा, बट मैं अपने वालों 100% ट्राई करदा जिते तक लै जाए रब। इंडस्ट्री लगता थोड़ा औखा वैसे पैर जमाना के? हाँ जी, औखा तो हर एक फील्ड च हैगा, पर तुसी एक टैलेंट ऐसा रखो, अपने आप की अलग पहचान बनाओ, तुहानू सारे लोग आप पहचानन गे। लास्ट सवाल पूछना, जो तुसी जिस तरह गए सी साउथ इंडिया, थोड़ा काफ़ी वीडियो वायरल हुई सी, कितना कितने किसी वड्डे स्टार ने थोड़ा मैसेज करके एप्रीशिएट वगैरह किया? हाँ जी, मैं काफ़ी काफ़ी सारे लोगों का मैसेज आए, तो एप्रीसीएशन भी मिली मैं। मैं थोनों एक किस्सा दसदा छोटा जहा, जिस रात मेरा पहला गाना टैलीकास्ट होया, तो अगले ही दिन मैं तमिलनाडु काइंड ऑफ स्टार बन गया सी। एक रात दे विच मैं इन्ना ज़्यादा वायरल हो गया सी, उत्थे ज़्यादा मेरे गाना इन्ना ज़्यादा वायरल हो गया सी। अगले दिन तो मैं न्यूज़ चैनल दे भी कॉल आ रहे थे, यूट्यूब चैनल्स दे भी हो गया, तो मैं सारी जगह एप्रीसीएशन मिल रही थी कि सब नूं पता लग गया एक सरदार बंदे ने तमिल च आके गाना शुरू किया। परिवार वाले खुश ने? परिवार वाले बहुत खुश ने। जो तुसीं लाइन भी सोची कि जाना है, पेरेंट्स ने सपोर्ट किया? जी, मैं गलू बहुत खुशकिस्मत हाँ, मैं घरदे का सब तो ज़्यादा सपोर्ट मिलता, तो मेरी अगर पूरी फैमिली चू देखा जाए, मेरे वड्डे पापा, मेरे ताया जी का सब तो ज़्यादा सपोर्ट है। मैं अज जिथे भी हाँ सिर्फ उन्होंने सपोर्ट तो उन्होंने प्यार करके मैं जी। ते लास्ट गाना ते कुछ मैसेज हो जाए? पंजाबी गाना सुना देना। मेरी सूही पगड़ी तेरा रंगला चूड़ानी,
मैनू फिकड़े नू रंग इश्क दा चढ़िया गुड़ानी मेरी सूही पगड़ी तेरा रंगला चूड़ानी मैनू फिकड़े नू रंग इश्क दा चढ़िया गुड़ानी तेरे नैण नी मैनू रीजा लाज दवेंदे ने पूरा हुंदा दिसदा हर एक ख्वाब अधूरा नी अनपढ़ अखियां ने तेरी अख दी बोली सिखनी है ना हुण राज ने अड़िए होर किताबां फोलनियां मैसेज नहीं मैनू ऐ नहीं लगता मैं सलाह है किसी नूं मैं मैसेज दे सकां बट मैं इन्ना जरूर कहना चाहूँगा रब च विश्वास रखो अपना काम करते रहो मालिक जरूर तुहानू जो तुसी डिजर्व करते हो तुहानू जरूर मिलेगा मैं तो यही मानता मैं अज स्टेज से परफॉर्म करदे भी मैं इन्ना को वधिया फील कर रहा सी मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता वर्ड्स विच मैं रब दा धन्नवाद ही कर रहा सी थैंक यू अज जिथे भी हैं बाबा जी कृपा करके मैं बहुत अच्छे लैवल ते हाँ मैं बहुत अच्छा लगता है चीज़।